नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू फील इट इज पॉसिबल, यही जिंदगी का मूल है। और इसी के साथ यार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैप्पी 75th चार्टर्ड अकाउंटेंसी डे टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आज की बात यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड शुरू होने वाली, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीए फर्टिलिटी के ऐसे चुनिंदा लोग जो आपके साथ अपनी जर्नी का एक बिगेस्ट लेसन शेयर करेंगे, विच इज वेरी 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 इंस्पिरेशनल एंड इम्पोर्टेंट फॉर एवरी। वो एक चीज क्या है जितने मेरे को सीए कोर्स में सबसे ज्यादा जो चीज सिखाई वो है सर वैल्यू ऑफ टाइम। जो ऐसी चीज है ना जो मम्मी बचपन में बोलती थी कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, बात तो सच थी लेकिन उसकी वैल्यू सीए कोर्स में समझ में आई। किसी दिन किसी चीज को रिवाइज ना करो तो दूसरे दिन वो चीज इतना बड़ा पहाड़ बन के सामने आ जाती थी कि लगता था हम ही वो चींटी हैं जो इस पे धीरे 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 करके चढ़ पाएंगे। तो द वैल्यू ऑफ टाइम इज वन ऑफ द की थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। बच्चों सीए कोर्स से मैंने जो सबसे जरूरी चीज और सबसे अहम चीज सीखी वो थी कंसिस्टेंसी। आपको लगातार काम करते रहना है, मन उदास है तो भी काम करना है, बस करते रहो। मन उदास है तो भी काम करो, सफलता नहीं मिल रही है तो भी काम करो, बाकी सारे लोग कोई और काम कर रहे हैं लेकिन आप तब भी यही काम करें, आपके बाकी लोगों की नौकरी लग गई है आपको लगेगा मन में कि मैं क्या कर रहा हूं, कोई बात नहीं आप तब भी काम करें। कंसिस्टेंटली आप काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। अगर आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैंने कंसिस्टेंसी को सीखा है, और भूले ना अकाउंटिंग में भी तो आपको कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करना ही पड़ता है, तो कंसिस्टेंट बने रहो। कांग्रेचुलेशंस, टुडे इज सीए डे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन ऑल आवर लाइव्स। You know, one of the best decisions I always took as a young child was to do CA. Mera, I think, sabse best decision ye tha. Par main aaj apne jo future chartered accountants hain, jo bache CA kar rahe hain, unko ek chhota sa advice zarur dena chahunga. You know, when I did CA, us zamane mein pata hi nahi hota tha CA karta kya hai, CA ke aage jaake work ke prospects kya honge, main kya kya lines chun sakta hoon. बस इसलिए कर ली क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ ऐसे मेरे रिश्तेदार थे, कजन्स थे जो बहुत पैसा कमा रहे थे और मुझे लगा यही काम करना चाहिए। यू नो बट टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आप इस डिग्री के साथ अपनी नेक्स्ट 40-50 इयर्स स्पेंड करने वाले हैं, सो मैं चाहता हूँ कि वंस यू ज्वाइन सीए फर्स्ट अंडरस्टैंड सीए करता क्या है, सीए का स्कोप रोल इन सोसाइटी क्या होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, आपने डायरेक्ट टैक्स का एक्सपर्ट बनना आगे जाके, इनडायरेक्ट टैक्स का बनना है, आपने ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में जाना है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जाना है, या आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस करना है। आप लोग टाइम लीजिए ड्यूरिंग दिस थ्री ईयर यू नो कोर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू वुड वांट टू स्पेंड टाइम ऑन। सो ऑल द बेस्ट टू यू इन योर जर्नी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एक 18 ईयर 20 ईयर का आर्टिकल उस आर्टिकल के ऑफिस में डेडलाइंस मीट कर रहा होता है, जो उसके फ्रेंड्स मूवीज देख रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे होते हैं, वो बच्चा 14-15 घंटे सेम चार दीवारी में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, जो उसके फ्रेंड्स मजे मार रहे होते हैं। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस एंड सैक्रिफाइसेस आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड दैट गेट्स मी टू माय थर्ड लर्निंग। इट्स नेवर गोइंग टू बी द रोड टू बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नेवर गोइंग टू बी इजी, बट इन द एंड मुझे सिखाई थी वो था कि यार पैसों के रिलेटेड, मतलब मैंने लाइफ में हम लोग सीए बनने से पहले हमको नहीं पता था कि पैसे बचाए भी जाते हैं, पैसे बचाने के पापा होते थे उसमें पैसे खर्च करते थे, बट जब हम सीए पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि लाइफ में पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्हीं पैसों को बचाना, और सिर्फ पैसा बचाने से पैसा बनता नहीं, उन पैसों को सही तरीके से हमें इन्वेस्ट करना पड़ता। तो एक जर्नी सीखी थी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मनी समझ आई जब तुम कोर्स करते हो। और दूसरी मैं दो चीज कहना चाहूंगा कि दूसरी एक ऐसी चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है कि नेवर गिव अप। हो सकता है मेरे एक फाइनल में अटेम्प्ट लगा था, उधर हो सकता था कि लाइफ खत्म हो सकती थी, बट यू नो एक होता है कि गिव अप नहीं किया, फिर सीए खत्म किया, फिर जॉब के राज जो इतना बड़ा कुछ नहीं हाथ। सो यू नो ये दो चीजें याद सीखी मैंने, एक पैसों के रिलेटेड और एक एटीट्यूड बीइंग अ पॉजिटिव लाइफ। थैंक यू, होप आप भी सीख सकते। हेलो दोस्तों,
दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और आज का दिन आपका और हमारा एंजॉय करने का दिन है। आज है सीए डे। दोस्तों जब मैं स्टूडेंट था, मैं सीए इंटर सीए फाइनल की जब पढ़ाई करता था ना, मैं इस कोर्स को बहुत गलत तरीके से देखता था। मैं समझता था ये 8 सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट है, बस इनको पढ़ना है, पास हो जाना और सीए बन जाओगे। मैं पूरे कोर्स को इन किताबों में ही सीमित करके रख रहा था। लेकिन बेटा जब मैं सीए बना, मैं टीचर बना, मैंने एक चीज रियलाइज करी, ये कोर्स जो है ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, इट इज अबाउट द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। मैं जो एक ह्यूमन बीइंग था, एक पर्सन था, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, एटीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, मैं बहुत अलग था, लोएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी पे था। लेकिन जब मैं सीए बना, ये कोर्स ने मुझे बेटा डिग्निटी दी, ग्लोरी दी, ये कोर्स ने मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया। मतलब ये कोर्स आपको पूरा तोड़ के रख देगा बेटा, और टूटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये नव निर्माण की प्रक्रिया है। सीए एक ऐसा कोर्स है जो आपके अंदर बेटा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, और नए निर्माण के लिए बेटा पुरानी इमारत को तो गिराना ही पड़ता है, तो टूटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नया वर्जन, मोस्ट अपडेटेड वर्जन और सबसे अच्छा वर्जन तैयार हो जाएगा सीए बनने के बाद। तो इस कोर्स को सिर्फ किताबों तक सीमित मत रखिए, अपने अंदर हो रहे चेंजेस को भी महसूस करिए और उसको एम्पलीफाई करिए, बड़ा करिए, क्योंकि ये कोर्स उस चीज को बेटा ग्लोरी देता है। बाबू, सो मेरी सीए जर्नी का जो सबसे बड़ा लेसन है वो है, टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। सो हमेशा लगे रहिए अपने टारगेट प्रति, और जो टारगेट है उसको हमेशा बड़ा रखिए, हमेशा सोचिए आप कैसे अपने आप से कंपीट करके अपने आप से आगे निकल सकते हैं। ये जो जर्नी है सीए का, इसको एंजॉय कीजिए। जो कोचिंग है, जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, जो बाकी कोर्सेज है, वो सब आपको एक बेहतर प्रोफेशनल, एक बेटर इंसान बनाने में मदद करते हैं। सीए डिग्री में बोल सकता हूं कि मेरा प्राइड है। कई सारे पॉजिटिव चेंजेस मेरी जिंदगी में इसे कारण आए, और नॉट ओनली बाय द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और द कमर्शियल टर्म्स, बट आल्सो इन द टर्म्स ऑफ द वे आई लुक एंड अप्रोच द लाइफ। सो इस सीए डे पे मैं बस यही बोलूंगा, एक बहुत ही अच्छा कोर्स आपने सिलेक्ट किया है, बस अपनी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और इसको अचीव कीजिए, एंड यू विल फील प्राउड ऑन योरसेल्फ, और उससे भी बड़ी खुशी होगी जब आपके माँ बाप की आंखों में आपके लिए आंसू होंगे, आपके लिए वो गर्व वाली फीलिंग होगी। एंड लास्टली मैं सीए डे पे आपको यही बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हैप्पी सीए डे, गॉड ब्लेस। लेट्स क्रैक इट।